हर हर महादेव। आज की इस कॉम्प्लेक्स यानी जटिल दुनिया में साधारण होना सबसे ज्यादा मुश्किल है। बस इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। अब उसे अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था। पर वो सोचने लगा कि ऐसे ही तो किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने एक नया महल बनवाया और महल के दरवाजे के बाहर एक मैथ्स का यानी गणित का सम लिखवा दिया और फिर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी युवक गणित के सवाल का हल निकालकर दरवाजा खोल देगा उसी का महल हो जाएगा और वही राज्य का आने वाला उत्तराधिकारी होगा। ये बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और अगले दिन सुबह से ही युवकों का तांता लग गया। हर कोई आता, उस गणित के सवाल पर अपना पूरा ध्यान लगाता और कोशिश करता बस किसी तरह से वो हल हो जाए। लोग कई कई घंटे लगा देते, कुछ तो उस प्रश्न को अपने दिमाग में याद करके घर ले जाते और फिर घर पे उसे हल करने की कोशिश करते। पर कितने दिन गुजरने के बाद भी एक भी युवक उस सवाल का हल नहीं निकाल पाया। बड़े से बड़े मैथमेटिशियंस आए, आसपास के राज्यों के गणितज्ञ भी आए, पर सभी फेल रहे। फिर एक दिन दो गणितज्ञ जब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तब गांव का एक युवक पीछे बैठा उन्हें देख रहा था। राजा ने ये सब देखा और फिर वो पीछे बैठे उस युवक के पास गए और उससे पूछा, तुम कोशिश नहीं करोगे ये सवाल हल करने की? तो उसने कहा, राजन, इतने दूर राज्य से जो ये गणितज्ञ आए हैं, अगर इनमें से किसी ने भी इस सवाल को हल कर दिया तो बड़ी खुशी की बात है, आपको योग्य उत्तराधिकारी मिल जाएगा। और अगर ये हल नहीं कर पाए तो फिर बाद में एक कोशिश मैं भी करके देखूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा पिछले कुछ दिनों की तरह फिर इंतजार करने लगे कि शायद कोई इस सवाल का हल निकाल दे। वो युवक पीछे बैठे बैठे ये सोचने में लगा था कि ये सवाल आखिर इतना कैसे कठिन होगा कि बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी इसको हल ना कर पाया। फिर जब वो दो गणितज्ञ भी हार कर वहां से चले गए तो उस युवक की बारी आई। तब वो दरवाजे तक पहुंचा और उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दे दिया और ये क्या, दरवाजा तो खुल गया। सारे के सारे लोग वहां आ पहुंचे और सब उससे पूछने लगे कि जो कोई ना कर पाया उस सवाल का हल भला तुमने कैसे निकाल लिया। तब वो लड़का बोला कि मैं पीछे बैठे बैठे लगातार यही सोच रहा था कि ये ऐसा कैसा सवाल होगा जिसका समीकरण कोई नहीं निकाल पाया। फिर मुझे लगा कि शायद ये इतनी बड़ी चुनौती है ही नहीं और इसका कोई समीकरण हो ही ना। सबने आकर इस गणित के सवाल को हल करना चाहा, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि गणित के सवाल का इस दरवाजे से भला क्या लेना देना। एक कोशिश तो करके देखें, क्या पता दरवाजा खुल ही जाए। इसीलिए मैंने तो गणित के सवाल की तरफ एक बार देखा ही नहीं, सिर्फ दरवाजे को धक्का दिया और ये खुल गया। राजा उस युवक की बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस महल की चाबी उस युवक को दे दी, साथ ही उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। देखा आपने, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम किसी भी चुनौती को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। जरा सी कठिनाई आई नहीं कि हमने सोच लिया, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। और इस सारी जटिलता में उलझकर पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को भांपकर हम उसका कोई साधारण हल सोचते ही नहीं, जबकि सॉल्यूशन कई बार बहुत ही आसान सा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर चीज को अपने दिमाग में इतना बड़ा ना बना लें, क्योंकि बड़ा कुछ भी नहीं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।